सब्सक्राइब करें मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिकेश सर मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु में आपके लिए एक नया प्रश्न लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, जो न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल परीक्षा में मेंस के एग्जामिनेशन में या पीटी के एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न आता है जो फिक्टिशियस लैंग्वेज तो है, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स होते हैं या नंबर्स होते हैं या फिर सारी जो कोडिंग किया गया है वो सिंबल्स में किए होते हैं, यानी आप एक सर्टेन वर्ड्स का डायरेक्ट कोड नहीं निकाल सकते। आपको ये सोचना होगा कि ये जो नंबर आ रहा है या जो सिंबल है और ये जो लेटर है ये किस तरह से है, क्योंकि देखिएगा आप यहाँ पर ध्यान से तो कोई भी वर्ड्स जो है इसमें वापस दोबारा नहीं आता है। तो जब वो दोबारा नहीं आता है तो हम लोग उसको कंपेयर करके उसके कोड को डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किस तरह से इसको डिकोड करेंगे, इसके लिए मैंने अपने पहले दूसरे वीडियो में और तीसरे वीडियो में कुछ रूल्स आपको बताया था जिसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जितने भी प्रश्न आते हैं ये सारे प्रश्न हर बार अलग अलग तरह के आते हैं, तो अलग अलग प्रश्नों से अलग अलग आइडियाज मिलता है जिससे हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो सिंबल आता है ये ज्यादातर नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके आता है जो आपको दिए गए वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली। पोजीशन जो दिया जाता है ये नंबर ऑफ लेटर्स या इसकी जो पोजीशन होते हैं आइदर फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर या सेकेंड लेटर या सेकेंड लास्ट लेटर उसके अकॉर्डिंगली होता है। इस प्रश्न में क्या है ये हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। इसके लिए 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिकोड करते हैं, डिकोड करके देखते हैं कि जैसे ये सिविलाइज्ड है या जितने भी ये एन आ रहे हैं परसेंट आ रहे हैं या 24 है वो किस चीज का कोड है। आप देखिएगा यहाँ से ध्यान से कि अगर हम लोग सिंबल पे चले तो यहाँ पे 4 सिंबल यूज कर रहा है, आप सब में देख सकते हैं। तो सिंबल्स के लिए हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं कि देखो भाई सिंबल आ रहा है तो सिंबल क्यों आ रहा है और किसके लिए आ रहा है। और 4 तरह का सिंबल है, एक पहला सिंबल परसेंटेज है, दूसरा सिंबल एट द रेट है, तीसरा जो है वो डॉलर है और चौथा जो है आपको हैश यूज किया गया। तो हैश यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया है और क्यों यूज किया गया है, हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके देखते हैं, काउंट करके चेक करते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 यहाँ पर अक्षरों की संख्या 9, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें अक्षरों की संख्या समान है, तो पहले के कंसेप्ट से चले तो दो कोड ऐसा होना चाहिए जिसके कि जो कोड है वो सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर ये जो चारों दिया हुआ है ये चारों डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हम लोग यहाँ पर उस कंसेप्ट को भूलना पड़ता है। यहाँ पर ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो पहला अक्षर होता है उसके लिए यहाँ पर एक नया कोड होता है। तो पहले अक्षर के लिए अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये देखो सी है, ए है, पी है और ओ है, यहाँ पर ए बी ये सी ए पी और ओ नहीं है, यहाँ पर एक सी आया है बाकी और कोई दोबारा नहीं आया है, बाकी इसमें भी आपको एक ई आया है दोबारा कुछ भी नहीं आया या सी वगैरह जो भी है वो वापस आया ही नहीं, तो फिर ये सिंबल कैसे हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज ये सोच सकते हैं कि आप अगर सारे वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन है कि ये जो सारे वर्ड्स का जो आखिरी अक्षर है वो सेम है। जैसे देखो यहाँ पर एस है, ए है, के है, डी है, फिर एस है, के है, ए है, डी है, ए है, के है, एस है, डी है, के है, एस है, ए है और डी है। एक ये चीज है कि सारे वर्ड्स के जो आखिरी अक्षर है वो आपका सेम है। दूसरा सिंबल के बाद अगर हम लोग सोचे तो ये सोच सकते हैं कि ये जो लेटर है वो कैसे चल रहा है, ये लेटर किसके लिए आया है। तो लेटर के लिए हमारे पास कुछ आइडिया है, हम लोग सोच सकते हैं। जैसे देखो इसकी शुरुआत पहला अक्षर सी है, इसका पहला अक्षर ए है, इसका पहला अक्षर पी है और इसका पहला अक्षर ओ है। तो पी का पोजीशन होता है 16, ए का पोजीशन होता है 15, ए का पोजीशन होता है 1 और सी का पोजीशन होता है 3। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इसका पोजीशन 14, इसकी पोजीशन 25, इसका पोजीशन 13 और इसका पोजीशन पहला। अगर हम ये सोचे कि देखो अगर सी यानी 3 में से 1 2 माइनस करते हैं तो ए आता है, ये ठीक है चलेगा। 16 में से अगर हम लोग 2 माइनस किए तो 14 होता है, देखो 14 है, और 15 में से अगर हम लोग 2 माइनस करते हैं तो हमारा जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। एक हमारे पास आइडिया मिला जिसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी एक ये हम लोग लगा सकते हैं
कि जो लेटर है वो कैसे है, तो फर्स्ट लेटर का जो पोजिशन है उससे अगर हम लोग दो माइनस कर दें तो जो नंबर हम लोगों को ज्ञात होगा वो नंबर जिस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वही लेटर हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर भी एक बार और मिला देते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा एक डाउट हो रहा होगा आपको ए और वाई में लेकर, कि देखो ए है, ए का अगर हम लोग सर्कुलर फॉर्म पोजिशन देखें तो 27 होता है और 27 में से दो माइनस करेंगे तो ये 25 हमको मिल जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ यूज करते हैं, अगर इसका पोजिशन 13 है, इसका पोजिशन 2 है, इसका पोजिशन 5 है और इसका पोजिशन 20 है, तो 20 में से अगर 2 जाता है तो 18, 5 में से अगर 2 जाता है तो 3, देखो तीसरा पोजिशन सी, बी को रहने दो, अभी एम देखते हैं, 13 में से 2 गया बचा 11 यानी ये, और बी के लिए हम लोग अगर बी से 2 पीछे जाते हैं तो जेड हो जाएगा, देखो जेड यानी 26 आपको दिया हुआ है। इसके पोजीशन को अगर हम लोग सर्कुलर फॉर्म में लेके चले तो 28 होता, 28 में से 2 जाएगा बचेगा 26, 26 ही हो जाता है। यानी हम लोगों ने यहाँ पे जो सोचा लेटर के लिए वो सही है, ये क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर, पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर माइनस 1, ये एक हम लोगों ने डिकोड कर लिया लेटर को। अब सिंबल हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि सारे लेटर्स के जो आखिरी अक्षर सेम है, तो यहां से आप देखो जैसे सिविलाइज्ड के लिए तो इसमें लास्ट अक्षर डी है, सिविलाइज्ड का जो कोड है वो ए हैश 2 और 4 है, यानी ए जो ये जो हैश आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, तो ये डी के लिए आ रहा है। एक हम यहाँ पर रख सकते हैं कि हैश का जो कोड है वो डी है। अब देखो इसी चीज को हम लोग दूसरे में मिला लेते हैं, 1000, 1000 का मतलब 20 से 18 ये आ रहा था, देखो इसका लास्ट अक्षर डी है, देखो यहाँ पर भी जो साइन यूज किया गया है वो आपको हैश ही यूज किया गया है, इसका मतलब ये सही है। ए ए के लिए जो यहां पर आ रहा है वो एट द रेट आ रहा है, सॉरी, उसी तरह से एस एस के लिए हम लोगों ने यहां पर ये परसेंटेज देखा और एक लास्ट बच गया के, तो वो के का हो गया। अब जो है आपके पास बचता है ये कि ये जो लेटर्स सॉरी नंबर सारे हैं ये नंबर किसके लिए है और नंबर किस तरह से, नंबर को हम लोग डिकोड करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि देखो नंबर क्या होता है, आइदर पहले अक्षर का जो है वो पोजीशन बताता है या वो आखिरी अक्षर के पोजीशन को बताता है या वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी है वर्ड में उनको बताता है। तो एक चीज आप देखिएगा कि जब आपने यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है उसके पोजिशन से तो यहाँ पर लेटर का ही निकाला, लास्ट लेटर से आपने साइन निकाले तो बच गया नंबर, नंबर के लिए जो बचता है वो क्या होता है नंबर ऑफ लेटर्स को यूज करना पड़ेगा हम लोग को। या अगर थोड़ा सा ऐसे भी सोचते हैं कि चलो ठीक है आपने ये जो सी सिविलाइज्ड है इसका जो कोड निकाला था वो ए हैश 24 निकाला, ए हैश 24 ऐसे हो सकता है कि देखो सी है, आपके मन में यह आ सकता है कि सी का जो रिवर्स पोजिशन होता है वो 24 होता है, मे बी यहाँ पर 24 उसके लिए लिया गया। क्या एरोमा का जो कोड है वो ए वाई एट द रेट 12 है, क्या एरोमा के लिए वो सेम चीज है, नहीं, ए का जो पहला ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है और जेड का जो या अपोजिट जो पोजीशन होता है वो 26 होता है, 26 तो आ नहीं रहा, तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर कंसेप्ट लगाया वो कंसेप्ट क्या हुआ हमारा फेल हो गया। अब नंबर को ध्यान दीजिए, देखिए 24 है, 12 है, 18 है, 24 है, 21 है, 12 है, 12 है, 21 है, 21 है, 18 है, 15 है, 12 है, 21 है, 21 है, 15 है और 18 है, यानी ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि यह सारा नंबर 3 के मल्टीपल में है। आप ऐसा सोच सकते हो कि देखो वो 24 आ रहा है सिविलाइज्ड के लिए कैसे आ सकता है, अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके जो नंबर ऑफ लेटर्स है 9 है, तो 9 में से अगर एक कम कर दे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और 8 को अगर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 या 24, देखो वो आ जाता है। सेम चीज हम लोग एरोमा में यूज करते हैं, एरोमा में नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो देखो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आता है, यानी जो नंबर है उस नंबर के लिए हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ लेटर्स माइनस 1 अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारे सिंबल्स को डिकोड कर लिए, लेटर्स को डिकोड कर लिए और ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर को हम लोगों ने डिकोड कर लिया। अब जैसे आपसे पूछा गया था कि मलेशियस स्ट्रिक जो है इसका कोड क्या होगा, तो देखो एम एम का पोजीशन 13, 13 में से 2 गया बचा 11, 11 के लिए हो जाएगा यहाँ पर के, लास्ट अक्षर एस है, एस का कोड परसेंटेज है तो परसेंट और नंबर ऑफ लेटर्स 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 के लिए मतलब 24 होगा।
फिर यहाँ पर एस एस का पोजीशन 19 19 में से दो गया बचा 17 17वां पोजीशन होता है क्यू का, लास्ट अक्षर के है, के के लिए डॉलर होगा और दो दो चार दो छह अक्षर है तो 6 - 1 5 5 दिया 15, इसका कोड जो हो जाएगा क्या के परसेंट 24 क्यू डॉलर 50। उसी तरह से आउटवर्क और डिस्कार्ड का भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओ में से दो गया यानी एम, लास्ट अक्षर के है तो के लिए हो जाएगा डॉलर और दो दो चार दो छह और एक सात तो 7 - 1 6 6 - 18। अब यहाँ पर डिस्कार्ड है तो डिस्कार्ड यानी दो दो चार दो छह और एक सात तो 7 - 7 में से 1 - 6 - 6 - 18 तो ऐसे ही हो जाएगा। डी के लिए आपने हैश यूज किया है और डी चूंकि चौथा पोजिशन होता है 4 - 2 करेंगे तो बी होगा, इसका कोड हो गया आपका ये। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला सरप्लस एफ का पोजिशन 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 6 - 2 करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास डी, और डी नंबर ऑफ लेटर्स है 2 - 2 - 4 - 6 - 1 - 7 7 का मतलब हो गया 6 - 6 = 18 - 18 हो जाएगा। और ए के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो यूज किया है वो एट द रेट है, ये एट द रेट हो जाएगा। सरप्लस सरप्लस में एस के लिए हम लोग अभी ने पहले देखा था कि हम लोगों ने क्यू लिखा था, लास्ट अक्षर एस है तो एस के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है कोड परसेंटेज है और 2 - 2 - 4 - 2 - 6 - 1 - 7 फिर 7 के लिए जो आपके पास अंक आएगा वो 18 है। फोबिया है तो फोबिया के लिए पी पी का पोजीशन 16 में से 2 गया बचा आपके पास 14 यानी एन, ए के लिए आपने यूज किया है एट द रेट और अक्षर है 2 - 2 - 4 - 6 - 6 - 1 यानी 5 - 5 = 15 तो ये हो जाएगा 15। ई ई के लिए हो जाएगा सी और लास्ट अक्षर डी है तो डी के लिए आपका साइन हो जाएगा हैश। नंबर लेफ्ट है 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 8 महीने से 1 हुआ 7 7 + 21 यानी यहाँ पर जो कोड होगा वो 21 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कंपास रिप्लिका, तो कंपास सी सी में से 2 जाएगा बचेगा ए, एस के लिए जो कोड है वो परसेंटेज है 2 - 2 - 4 - 2 - 6 - 1 - 7 7 के लिए हम लोग पहले देख चुके हैं हम लोग कई बार कि 18 आ रहा है, आर में से 2 जाएगा बचेगा पी, लास्ट अक्षर ए है तो हो जाएगा एट द रेट और 2 - 2 - 4 - 2 - 6 - 1 - 7 यानी फिर हमारा जो कोड होगा वो 18 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको ये सारा मेथड मैंने जो बताया वो अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे साथ बने रहे। मैं मिकेश सर आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ और एक नए ट्रिक के साथ जो मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से अच्छा से परीक्षा के दौरान जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।